नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज बुधवार है और मैं लेकर फिर से आ गया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहाँ हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपके जीवन पर सीधा असर। एनपीएस बनेगी अब ज़्यादा इन्वेस्टर्स फ्रेंडली, कैसे बनेगी चलिए जानते हैं। पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन स्कीम को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने का फैसला किया है। इसमें ज़्यादा इक्विटी एलोकेशन की इजाज़त, फंड मैनेजर्स के ज़्यादा चॉइसेस और एक साल में कई एसेट एलोकेशन में बदलाव की इजाज़त शामिल है। एनपीएस में इन्वेस्टर को तीन एसेट क्लास में एलोकेशन का फैसला लेना पड़ता है। इनमें इक्विटी, सरकारी सिक्योरिटी और कॉरपोरेट बॉन्ड्स शामिल हैं। अभी सब्सक्राइबर्स को साल में दो बार एसेट एलोकेशन में बदलाव करने की इजाज़त है, जल्द इसे बढ़ाकर साल में चार बार किया जाएगा। एसेट एलोकेशन में बदलाव के ज़्यादा ऑप्शंस उपलब्ध होने का मतलब ये है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स बाजार की चाल का फ़ायदा उठा पाएंगे। अभी तक सब्सक्राइबर के पास सात फंड मैनेजर का ऑप्शन था, इनमें से उन्हें किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ता था। आने वाले समय में इन्वेस्टर को ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। तीन नए फंड मैनेजर को पेंशन फंड मैनेज करने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। इसके बाद फंड मैनेजर्स की कुल संख्या 10 हो जाएगी। पीएफआरडीए एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट में 100% इक्विटी एलोकेशन की इजाज़त देने पर भी विचार कर रहा है। और दूसरी खबर भी एनपीएस से जुड़ी है। अगर आपको कोई समस्या है तो अब आप व्हाट्सएप के जरिए समाधान पा सकेंगे। नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स अब व्हाट्सएप पर अपनी समस्या का समाधान हासिल कर पाएंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट ने एनपीएस से संबंधित सवालों के लिए एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए एक व्हाट्सएप सर्विस शुरू की है। सब्सक्राइबर्स 8588852130 पर संपर्क कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स अंशदान, ईएनपीएस, इन्वेस्टमेंट पैटर्न में बदलाव, एग्जिट और विड्रॉल से संबंधित ऑप्शंस से संबंधित अपने तमाम सवालों को सेलेक्ट कर अपनी समस्या बता सकते हैं। अतिरिक्त सहायता के लिए आप ईएनपीएस एनएसडीएल हेल्पलाइन नंबर 0222499-3499 पर कॉल भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चालू वित्त वर्ष के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को नोटिफाई किया है। आइए जानते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चालू वित्त वर्ष में अचल संपत्ति, शेयर और ज्वेलरी की बिक्री से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का आकलन करने के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को नोटिफाई कर दिया है। टैक्सपेयर्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का उपयोग महंगाई को एडजस्ट करने के बाद पूंजीगत वस्तुओं की बिक्री से होने वाले लाभ की गणना के लिए करते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 और आकलन वर्ष 2023-24 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 331 है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स टैक्सपेयर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की गणना करने में मदद करेगा। इससे वो समय पर अपना एडवांस टैक्स भी जमा कर सकेंगे। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को आयकर कानून 1961 के तहत हर साल नोटिफाई किया जाता है। किसी भी पूंजीगत संपत्ति की बिक्री के समय पूंजीगत लाभ की गणना के लिए खरीद लागत के साथ महंगाई को एडजस्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। 5G को लेकर सरकार ने आज बड़ी घोषणा की है। आइए जानते हैं ये सेवा कब तक शुरू होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के तौर तरीकों को आज अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत 72,097 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई महीने के अंत तक की जाएगी। स्पेक्ट्रम नीलामी के तहत जनता और बिजनेसेस को 5G सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा निम्न, मध्यम और उच्च फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए भी स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी। सफल बोलीदाताओं को अग्रिम भुगतान करने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 बराबर सालाना किश्तों में किया जाएगा और ये अग्रिम किश्तें प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में देनी होंगी। इसके अलावा बोलीदाताओं को 10 साल के बाद स्पेक्ट्रम वापस करने का विकल्प भी दिया जाएगा। LPG गैस कनेक्शन कितना महंगा हो गया है, चलिए जानते हैं कि आपको कितना पैसा देना होगा। घरेलू LPG रसोई गैस सिलेंडर कनेक्शन लेना 16 जून से महंगा हो जाएगा। पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू गैस के नए कनेक्शन की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब 14.2 किलोग्राम वाले LPG गैस सिलेंडर का नया कनेक्शन लेने के लिए 2200 रुपये की सिक्योरिटी देनी होगी। अभी LPG गैस कनेक्शन के लिए 1450 रुपये देने होते हैं। अगर आप डबल गैस सिलेंडर का कनेक्शन लेंगे तो आपको 4400 रुपये खर्च करने होंगे। 5 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए 800 रुपये की जगह 1150 रुपये देने होंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर लेने वाले ग्राहकों को भी झटका लगने वाला है। अगर यदि इन ग्राहकों ने अपने कनेक्शन पर सिलेंडर को डबल किया यानी दूसरा सिलेंडर लिया तो उन्हें बढ़ा हुआ सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा।
गारंटेड बेनिफिट के साथ लॉन्च हुई LIC की ये खास पॉलिसी, आइए जानते हैं इसकी हर खूबी। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी गारंटेड बेनिफिट्स वाली खास पॉलिसी पेश की है। इस पॉलिसी का नाम है धन संचय प्लान। ये एक नॉन लिंक्ड गैर भागीदारी वाली बचत के साथ जीवन बीमा योजना है। ये सुरक्षा के साथ साथ बचत की सुविधा भी देती है। यह मैच्योरिटी की तारीख से पे आउट पीरियड के दौरान गारंटेड इनकम बेनिफिट उपलब्ध कराती है। LIC धन संचय प्लान 5 साल से लेकर अधिकतम 15 साल तक के लिए है। LIC धन संचय प्लान में लोन लेने की भी सुविधा मिलेगी। अतिरिक्त पैसे देकर आप राइडर्स भी हासिल कर सकते हैं। धन संचय प्लान के तहत कुल 4 तरह के प्लान पेश किए गए हैं। गिफ्ट और इंसेंटिव पर TDS के नियम बदलने वाले हैं, जो 1 जुलाई से लागू होंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है तो इस नियम को ठीक तरह जान लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर सेल्स टारगेट पूरा करने या तय सीमा से ज़्यादा खरीदारी करने पर आपको कोई बोनस, इंसेंटिव, गिफ्ट या प्राइज मिलता है तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। ये नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होने जा रहा है। कई बार कंपनियां सप्लायर्स, कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंट्स या एसोसिएट्स को सेल्स टारगेट पूरा होने पर इंसेंटिव देती हैं। इंसेंटिव पाने वाला व्यक्ति को इस पर टैक्स चुकाना ज़रूरी है, लेकिन अब तक ऐसे मामलों पर इनकम टैक्स विभाग की नज़र नहीं होती थी, इसलिए कोई बिजनेसमैन इस पर टैक्स नहीं चुकाता था। इनकम टैक्स एक्ट के नए सेक्शन 194R में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को कोई ऐसा बेनिफिट देती है जिसका संबंध उसके बिजनेस या प्रोफेशन से है तो उस पर 10% TDS काटना होगा। इस सेक्शन के दायरे में टूर पैकेज, फ्री सैंपल्स, गिफ्ट वाउचर या कूपन्स या इस तरह के दूसरे बेनिफिट या इंसेंटिव आएंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसे इंसेंटिव या बेनिफिट को अपनी इनकम में नहीं जोड़ता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट के वक्त इस पर इंटरेस्ट या पेनल्टी लगा सकता है। भारतीय रेलवे निकालेगी बम्पर भर्ती, जाने कितने लोगों को मिलेगा मौका। रेलवे मंत्रालय ने अगले 1 साल में 1,48,463 लोगों की भर्ती करने की घोषणा की है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 18 महीनों में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख लोगों की भर्ती करने के निर्देश के बाद आया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कुल नियमित सिविल कर्मचारियों की संख्या 1 मार्च 2020 तक 31,91,000 थी, जबकि स्वीकृत पदों की कुल संख्या 40,78,000 थी। इस हिसाब से करीब 21.75% पद रिक्त पड़े हैं। रेल मंत्रालय ने बताया कि 2014-15 से 2021-22 तक उसने कुल 3,49,422 लोगों की भर्ती की है। 2022-23 में 1,48,463 लोगों की भर्ती की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, अब कंप्यूटर मद में मिलने वाले कर्ज से आप आईपैड खरीद पाएंगे। सरकार ने अपने कर्मचारियों को कंप्यूटर मद में मिलने वाले कर्ज से आईपैड खरीदने की अनुमति दे दी है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने कहा कि यह निर्णय किया गया है कि कर्मचारी कंप्यूटर मद में लोन लेकर आईपैड खरीद सकते हैं। यह कुछ शर्तों पर निर्भर है। विभाग ने अक्टूबर 2016 में नियमों में संशोधन किया था। इसके अनुसार सभी सरकारी कर्मचारी पर्सनल कंप्यूटर के लिए ₹50,000 या उसके वास्तविक मूल्य के बराबर, जो भी कम हो, वो कर्ज ले सकते हैं। सोने की कीमतों में क्या बदलाव हुआ है आज, चलिए जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना मामूली 3 रुपये की बढ़त के साथ 50,304 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 304 रुपये के उछाल के साथ 60,016 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ $1,820 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी $21.35 प्रति औंस पर स्थिर थी। डॉलर के कमज़ोर पड़ने और अमेरिका में बॉन्ड पर यील्ड घटने से सोने की कीमतों में गिरावट थम गई है। चलिए अब नज़र डालते हैं IPO अपडेट्स पर। वॉलमार्ट की पेमेंट कंपनी फ़ोनपे अपनी फाइनेंशियल सर्विस पोर्टफोलियो का विस्तार करने और UPI बेस्ड पेमेंट ऑपरेशन को मजबूत बनाने के लिए IPO से पैसा जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी ने अपना कोर बिजनेस के प्रॉफिटेबल बनने के बाद शेयर बाजार में लिस्ट होने की योजना बनाई है। कंपनी का कहना है कि 2023 तक उसका कोर बिजनेस प्रॉफिटेबल बन जाएगा। कंपनी IPO के जरिए अपना वैल्यूएशन 8 से 10 अरब डॉलर चाहती है। IPO प्रोसेस के लिए कंपनी जल्द ही बैंकर्स और लीगल कंसल्टेंट को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी हमारी ज़िंदगी पर असर, हमारी जेब पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें मनी टाइम, देखते रहें मनी9। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।